नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक ऐसी डिश बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल, हेल्दी और टेस्टी है और जो महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल डिश में आती है, जिसका नाम है पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने पोहा लिया है। ये 3 कटोरी पोहा है। इस कटोरी के साइज का 3 कटोरी है। पोहा जब भी आप खरीदें तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो थिन है या थिक है। आपने पोहा बनाने के लिए थिक पोहा लेना है और इसको मैंने धो के रखा है। और उसके बाद मैंने आलू लिए हैं, ये मीडियम साइज है और इसको एकदम मैंने इस साइज में काटे हैं कि मेरी वेजीज जो है उन दोनों के साइज बराबर हो, जिससे कि उनको पकने में सेम टाइम लगे। और मैंने वेजीज लिए जिसमें कि कॉर्न्स है, मटर है, गाजर है, बीन्स है। मैंने एक मीडियम साइज प्याज लिया है जिसको मैंने लंबे लंबे काटे हैं। इसके लिए जीरा, शिमला मिर्च, मैंने आधी शिमला मिर्च ली है क्योंकि हरी मिर्च भी है तो इसको भी मैंने प्याज के ही साइज में काटे हैं। कुकिंग ऑयल, मैंने 4 हरी मिर्च ली है जिसके बीच में मैंने कट दे दिया है जिससे कि वो अच्छी तरह फ्राई हो सके। राई, मैंने ड्राई कड़ी पत्ता लिया, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। हल्दी, नमक, लाइम जूस। अब मैंने गैस ऑन कर दिया, गैस मीडियम फ्लेम पे कर दी है और हम इसमें अब कुकिंग ऑयल डालेंगे। वेट करेंगे कि थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए। अब तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें जीरा डालूंगी और जीरे के साथ ही मैं सरसों भी डाल दूंगी। अब जीरा लाइट ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें मैंने प्याज डालने हैं। अब जो प्याज है वो लाइट ब्राउन से हो गए हैं, अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी थोड़ा ज्यादा ही डालूंगी क्योंकि उसके बाद पोहा भी ऐड होना है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हल्दी डालूंगी। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, आलू बच्चों को बहुत पसंद होते हैं इसलिए मैंने थोड़ा आलू की क्वांटिटी ज्यादा रखी है। दो मिनट हो चुके, चलो चेक करते हैं कि वेजी और आलू पके कि नहीं। मैंने इसको आलू को प्रेस करके देख लिया और ये आलू पक चुके हैं, बीन्स भी पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पोहा। सारी सब्जियां इसमें पोहे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है, येलो में मिक्स होके बहुत ही अच्छा लग रहा है, यमी सा लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालते वक्त ध्यान रखें कि हमने सब्जियों में भी नमक डाला है तो बहुत बैलेंस से ही डालना है। अगर पोहे को धो के रखें तो वो खिला खिला बनता है और अगर हम उसको भिगो के रख दें तो वो इतना खिला खिला नहीं बनेगा, इसीलिए हमेशा पोहा जो हो वो धो के रखना चाहिए, उसे भिगोना नहीं चाहिए और थिक पोहा ही लेना चाहिए। अब हम इसको
सारा अच्छी तरह मिक्स हो गया नमक भी, और मैं इसको फिर से ढक दूंगी। आप इसके लिए फ्रेश नींबू भी यूज कर सकते हैं, अगर वो ना हो तो आप यूज कर सकते हैं। और अब हम इसको ढक देंगे और गैस बंद कर देंगे और 2 मिनट बाद इसको खोलेंगे। ये देखिए खिला खिला पोहा बनके तैयार है। अब मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।